हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पुरानी साड़ी से, दुपट्टे से या फिर ब्लाउज पीस से, जो भी आप ब्लाउज पीस जिसे आप यूज़ नहीं करते और आपके पास काफ़ी समय से रखे हुए हैं, आप उनको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे पेन का यूज़। पेन का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से डोरमेट बनाने के काम आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इसे डोरमेट बना सकते हैं और यहाँ पर आप इसे आसन भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दुपट्टा लिया, इसे हम कट करेंगे। यहाँ पर मैं साइज़ ले रही हूँ इसका 2 इंच। जो पेन लेंगे आप, उस पेन के अकॉर्डिंग आप इसको कट करेंगे। यहाँ पर मैं इस पर 2 इंच पर कट लगाकर इसे हम खींचते हुए इसको फाड़ देंगे। लेकिन आपने इसे पूरा स्ट्रिप जो है वो अलग नहीं करना है, वो आपने कैसे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसे कंप्लीट करेंगे, दोनों को आपने एक जैसा ही करना है। और भी आप इसमें कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को कट किया। अब उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेपरेट नहीं किया है। अब आपने क्या करना है, इसे ही यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसको नाप सकते हैं। 2 इंच यहाँ से लेंगे और अब आपने इसको यहाँ से इस तरीके से फाड़ देना। ये देखिए, अब आपकी ये स्ट्रिप जो है, ये पूरी स्ट्रिप आपकी एक साथ निकलेगी। आपको इसमें टुकड़े टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, एक लंबी स्ट्रिप निकलेगी। ये ऐसा ही आपने अब यहाँ पर करना है, 1 इंच यहाँ से छोड़ देना है। ये देखिए, और उसके बाद ऐसे ही 2 इंच लेंगे और 2 इंच लेते हुए आपने खींचते हुए इसको इस तरीके से फाड़ लेना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, पूरी एक स्ट्रिप लंबी स्ट्रिप बनेगी। इसी तरीके से कर इसे हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए, अब यहाँ पर लेंगे हम पुराना पेन, ले सकते हैं आप जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो पेन भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये पेन यहाँ पर ख़राब नहीं होगा, उसके बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कैप को भी निकाल लेंगे, दोनों साइड से रिफिल भी निकाल लिया है मैंने। अब यहाँ पर लेंगे हम एक बोरी, जो भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बोरी का पीस लेंगे या फिर आप कोई मोटा कपड़ा भी इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेंगे बड़ी निडल, धागे को डबल कर हमने नॉट लगा लिया है इसमें। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा धागा इसमें हमें नहीं चाहिए। कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और ये देखिए, इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। अब आपने इसके पीछे से यहाँ से नीडल को निकालना है और इसे अब आपने खींचना है। तो ये क्या होगा, जो भी आप साड़ी या दुपट्टा जो यूज़ करेंगे वो इसके अंदर से निकल जाएगा आसानी से। इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट करना है। अब इसे हम सिलेंगे। सिलेंगे कैसे, ये देखिए, यहाँ पर हम जिगजैग पर इसे सेट करेंगे और मैक्सिमम बड़ा स्टिच जितना भी होगा उसे हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। दोनों को यहाँ पर हमने सेट कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर आपने करीबन 2 इंच के करीब जो है आपने यहाँ पर इसको छोड़ देना है। और आपने ये देखिए, जो भी कपड़ा आप बेस के लिए लेंगे, 2 इंच यहाँ पर इस तरीके से लेंगे और उसे बाहर की साइड हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ पर आपने डबल स्टिच करना है, 2-3 बार आप इसे स्टिच कर देंगे। अब देखिए, आपने मशीन को चलाना है। मशीन को चलाते हुए आपने धीरे धीरे पेन को अपनी तरफ खींचना है। ये देखिए, कपड़ा इसके साथ साथ चलता जाएगा और स्टिच होता जाएगा। ये देखिए, मैं इसको मोड़ देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर सिलते समय आपकी साड़ी या दुपट्टा जो इसमें सिल रहे हैं आप, अगर वो ज़्यादा खुल जाता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पेन को आगे पीछे करते हुए ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ जैसा हमने पहले यहाँ पर छोड़ा था 2 इंच के करीब, ऐसा ही आपने यहाँ पर भी डबल स्टिच करना है और यहाँ पर आपने इस तरीके से छोड़ देना है। ये देखिए, अब आप इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरा पेन यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जितने कलर यूज़ करेंगे उतना ही मैंने यहाँ पर पेन यूज़ किए हैं, वो इसलिए कि बार बार हमें जो है इसमें पेन को निकालना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कर पेन के यूज़ किया है।
अब यहाँ पर सेम ऐसे ही करेंगे, डबल स्टिच करेंगे और इसके बिल्कुल साथ साथ लगाते हुए ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, जूम कर कर देखिए, ये देखिए मैंने जूम कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा किस तरीके से यहाँ पर ये सेम स्टिच कर रहे हैं। बहुत इजी है इसको बनाना और ये बहुत सुंदर लगेगा, आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा और वॉशेबल है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे हैंड वॉश कर सकते हैं और आप इसे वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेम ऐसा ही रिपीट करेंगे जैसा हमने ग्रीन से किया, सेम ऐसा ही एक्स्ट्रा लेंगे और इसको आपने इस तरीके से कर लेना है, ये देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, चेंज करते हुए डबल स्टिच यहाँ पर ज़रूर करना है आपने। डबल स्टिच करने के बाद ही आपने ये देखिए इस तरीके से इसमें स्टिच करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बीच में हमारा करते करते थोड़ा जगह रह जाती है तो बीच में से कैसे करेंगे, आपने इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करते हुए आपने इसे यहाँ पर सेट कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पर आप डबल स्टिच करेंगे, डबल स्टिच करते हुए सेम ऐसा ही यहाँ पर रिपीट करेंगे। ये देखिए कभी कभी सिलते सिलते यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे गैप आ जाता है तो आप उसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये देखिए स्केल रखेंगे और स्केल रखते हुए आपने सभी को स्ट्रिप को एक साथ ऐसे रखना है और अब आपने इसको कट करना है। ये देखिए अब ये यहाँ से इक्वल कट हो जाएगा। इक्वल कट होने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप साइज कोई भी बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी आप साइज बना सकते हैं इसमें और छोटे छोटे साइज भी आप इसमें बना सकते हैं, जैसा चाहे आप इसको बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देगा फ्रेंड्स, पूरा बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये दिखाई देगा। दोनों साइड से आपने इसी तरीके से कट कर लेना है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम बॉर्डर, बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे, सिर्फ आपने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी जो है आप इसमें कट कर देंगे। यहाँ पर 2 इंच के करीब मैंने स्ट्रिप लिया और आपने इसको स्ट्रिप को बढ़ाकर रखना, जैसे हमने पहले रखा था सेम ऐसा ही सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाकर आपने राइट साइड में इसे फोल्ड करते हुए आपने इसे सिलना है। दोनों साइड से आपने ऐसे ही करना है, जो मैं आपको सिलकर और कर दिखाती हूँ। यहाँ पर अब आपने नॉर्मल स्टिच कर लेनी है और उसके बाद आपने सीधी सिलाई लगानी है। जिगजैग भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच के करीब इसमें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे। अब इसे राइट साइड में इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसे सिलेंगे। यहाँ पर डबल स्टिच करना है आपने। फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई लगाकर इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा यहाँ पर बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी है। ये देखिए और ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स, देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और ये वॉशेबल है। सबसे बड़ी बात है ये वॉशेबल है
और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और धन्यवाद।